नमस्कार, लीड इंडिया करियर विशेष में आपका स्वागत है। जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो बस एक ही तपस्या होती है और वो है अच्छी जॉब पाने की। और जब आपको कहीं वैकेंसी पता चलती है तो आप उसके लिए अप्लाई करते हैं और कॉल करते हैं, लेकिन आपके इसी कॉल से डिसाइड हो जाता है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं। क्यों? क्योंकि आपके बात करने के ढंग से ही आपके काम और एटिकेट्स का पता चल जाता है। अब हम बताते हैं कि आप वो गलती ना करें जिससे कि आप इंटरव्यू तक पहुंचने से पहले ही रिजेक्ट हो जाएं। सबसे पहले ध्यान रखें कि आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस हो और पोलाइट हो। हेलो के तुरंत बाद ग्रीट करें, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या नमस्ते, कुछ भी। फिर अपना नाम बताएं और अगर किसी रेफरेंस से आपको जॉब का पता चला है तो उसके बारे में बताएं, जैसे किसी जॉब साइट या न्यूज़पेपर वगैरह से आपको ऐड के थ्रू पता चला है तो उसके बारे में बताएं। यदि किसी पर्सन ने आपको उस जॉब के लिए बताया है तो उसके बारे में बताएं। लेकिन बताने पर जॉब देने वाले को ये बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि आप सिफारिश के थ्रू दबाव बनाकर जॉब लेना चाहते हैं। उसे कुछ इस तरह कहिए कि मुझे अमुक सर या अमुक मैडम ने इस जॉब के बारे में बताया है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? क्या अभी वैकेंसी खाली है? अगर आपको मेरी क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस सही लगे तो प्लीज़ गिव मी अ चांस। उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ बताएं। जॉब में आप क्या कर सकते हैं ये बताएं। अब आप ये कैसे बताएंगे कि उस जॉब के लिए आपकी क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस एप्रोप्रिएट है? तो ये बहुत आसान है। बस आपको ये जानना है कि जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो प्रोफाइल क्या है। मान लीजिए वो कंटेंट राइटर का जॉब है, तो आप बताएं कि आप किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक पर लिख सकते हैं और उसके लिए रिसर्च करके टॉपिक को फैक्टफुल और यूज़फुल बना सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको ज़रूरी लगे तो ये भी बता सकते हैं कि आपके पास उससे संबंधित आर्टिकल वगैरह छप चुके हैं या वेबसाइट्स पर पब्लिश हो चुके हैं। या फिर अगर आप टेलीकॉलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके बोलने का तरीका और आवाज़ ही एम्प्लॉयर को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी होगी। और अगर आप उसमें जॉब देने वाली कंपनी और उसकी रिक्वायरमेंट से जुड़ी जानकारी शेयर करते हुए उसमें अपनी नॉलेज और इंटरेस्ट दिखाते हैं तो समझिए इंटरव्यू से पहले ही आपका आधा काम बन चुका है। तो अगर आप भी किसी कंपनी में जॉब के लिए कॉल कर रहे हैं तो बस ये टिप्स आजमाइए, निश्चित ही आपको ये जॉब मिलकर रहेगी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।